अच्छा याली बारिश में रेमबो आई होगी सूरज के पास, वो तो पहली किरण पे ही आती है ना, बहुत सारी किरणें आ गई हैं तो कभी रेमबो भी देखेंगे यहाँ पे, जब बहुत कुछ देखा है तो रेमबो भी इंशाल्लाह नजर आएगी। खुद रेमबो बने हुए जुनेद। और देख लीजिए यहाँ पे अल्लाह पाक की रहमत आ चुकी है हमारे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत। और जुनेद इस वक्त टॉवेल डाल के इंतजाम करते फिर रहे बाइक का, तो उसके अलावा ये टैंक में वैसे पानी जाएगा तो नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। और आप ये देखें हमारे प्लांट्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं बारिश में। और ये आपको जैसे कि पता ही, मैंने इधर वो बांधी हुई थी एक चादर सी धूप की वजह से, हाँ मैंने इधर से खोल दिए। और इतना खूबसूरत और खूबसूरत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और सूरज कहीं से आने वाला है ऐसा लग रहा है, आएगा। और आप देख लीजिए जुनेद कैसे लग रहे हैं। और ये है पकोड़े खाने का मौसम, सूरज आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अचानक की बारिश है। आप लोग की तरफ हो रही है तो बताइएगा, ये आप लोगों ने एंजॉय करी ये बारिश, हमने तो बहुत एंजॉय करी। देख लीजिए मैं अभी थोड़ी थोड़ी बोली, थोड़ी थोड़ी दुपट्टा ओढ़ के जुनेद के साथ जो काम करने थे, दरवाजा बाइक अंदर लेकर आ रहे थे तो दरवाज़ा खोल के, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ है। अच्छा यहाँ आके बहुत से लोगों का कहना है मेरा रंग जल गया, मेरा रंग जला नहीं है, पहले मैं धूप में मोस्टली होती नहीं थी, अब यहाँ पे थोड़ी तपिश वगैरह जो मेरा रियल कलर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जगह पे आ रहा है, यानी मैं सांवली हूँ, नहीं गंदुम हूँ, जो भी कुछ हूँ, वेल मैं काली नहीं हुई हूँ, ये रंग अब सेट हो जाएगा वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। और चलिए मैं सोच रही हूँ कि पकौड़े खिला दिए जाएँ इनको, तो करते हैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम। और देख लीजिए कहीं कहीं बादल अभी भी गड़गड़ा रहे हैं। व्यूअर्स आप भी बताइएगा कमेंट करके कहाँ कहाँ बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ, आपने एंजॉय किया? हमने तो बहुत एंजॉय किया, पहली बारिश है, रहमत है, रहमतों के महीने से पहले रहमत कहते हैं ना, वो अल्लाह पाक भी जमीन धो रहा है कि उसके लोग आएंगे सजदा करने, अब रमजान आ रहे हैं, रमजान से पहले बारिश की आमद, अल्लाह पाक जो करेगा बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह। ये सब सूख जाएगा, हाँ धूप आ गई है आप देख लीजिए दीवार पे, अच्छा लगा बहुत, हमारा घर हाँ। धुल गया, हमारा मोहल्ला धुल गया, हम भी धुल गए। अच्छा याली बारिश में रेमबो आई होगी सूरज के पास, वो तो पहली किरण पे ही आती है ना, बहुत सारी किरणें आ गई हैं तो कभी रेमबो भी देखेंगे यहाँ पे, जब बहुत कुछ देखा है तो रेमबो भी इंशाल्लाह नजर आएगी। खुद रेमबो बने हुए जुनेद। और आप लोग काइंडली ये भी बताइएगा कि अक्सर बेशतर जो हमारी नोकझोंक होती है, ये अक्सर बेशतर नहीं, ये रहती है हम लोग के बीच में, और नॉर्मली जब क्या कहते हैं मोबाइल ऑन भी नहीं होता है ना, तो बहुत सी बातें ऐसी होती है, हमें याद आता है कि काश मोबाइल ऑन होता और हम ये आपको शेयर करते कि देखिए ये वाली बात भी हम लोगों ने बहस करी है, बहुत हो गया इतना नहीं निचोड़े। और आज इत्तेफाक से देखिए मैंने टब में जो है ना अपने हैंड वॉश वाले थोड़े से कपड़े भिगोए थे कि ये हैंड वॉश कर लूँगी, शॉपर लगा दिया ये शॉपर, हाँ बोर्ड पे, बट ये है कि कोई बात नहीं, जो होता है बेहतरी होती है। और मुझे अभी इधर ही पकाने हैं पकोड़े, मैं कोशिश कर रही हूँ जो बना ही लूँ।
क्या कहते हैं आप? वो प्याज काट के दूं? नहीं नहीं मैं कर लूंगी सब कुछ, आप बस ये सैंड साफ करें। चलिए व्यूअर्स थोड़ी देर में मिलते हैं पकोड़ों के साथ। रेडी पकोड़े गरमा गरम। हाँ जी मजेदार लग रहे हैं। और चाय, थोड़ी थोड़ी सी चाय सही है ये हमारा। ओके फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना लकड़ियों पे, इंशाल्लाह वो भी खत्म होने वाला है बहुत जल्द। क्या कहते हैं, कैसी बनी है मिर्ची, कैसी है? फर्स्ट क्लास। ओके चलिए भी व्यूअर्स एंजॉय करिए पहली बारिश के, इस मौसम की पहली बारिश के यम्मी पकोड़े हमारे साथ विद गर्मा गर्म चाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाजमी कमेंट्स करिएगा और बताइए किस किसने बारिश एंजॉय की। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय करी। अपना ख्याल रखिएगा।